हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टेनेस विलियम्स के फेमस प्ले कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। टेनेस विलियम्स एक अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने इस प्ले को 1955 में लिखा था। इस प्ले में उन्होंने हमें एक फैमिली के बारे में बताया है कि कैसे उस फैमिली के मेंबर्स बार बार एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले में टोटल 3 एक्ट्स हैं और ये जो प्ले है उन्हीं की शॉर्ट स्टोरी का अडेप्टेशन है। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था 3 प्लेयर्स ऑफ ए समर गेम और उसे 1952 में लिखा गया था। तो ये जो प्ले है एक शॉर्ट स्टोरी का अडेप्टेशन है जो टेनिस विलियम्स ने लिखी थी और इस प्ले को पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा भी मिला था 1955 में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्ले है वो एक फैमिली की कहानी है और इसकी जो सेटिंग है वो एक प्लांटेशन होम है मिसिसिपी डेल्टा में। तो मिसिसिपी नाम की जगह में जो कि अमेरिका में है वहाँ पे एक प्लांटेशन होम है ऐसा वो बता रहे हैं। प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फार्म होता है और उस बड़े से फार्म और उस घर का जो मालिक है वो है बिग डैडी पॉलिट और वो एक वेल्दी कॉटन टाइकून है यानी कॉटन का बिजनेस करते हैं वो। द प्ले एग्जामिन्स द रिलेशनशिप्स। तो ये जो प्ले है वो रिलेशनशिप्स बताता है कि कैसे बिग डैडी की फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स कैसे थे और ख़ास तौर पे जो बिग डैडी का बेटा है ब्रिक और उसकी पत्नी है मैगी जिसे कैट कहा गया है प्ले में, उन सब की रिलेशनशिप को ये जो प्ले है वो एक्सप्लोर करता है। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। अ फैमिली इन द अमेरिकन साउथ इज इन क्राइसिस। तो ये जो जगह बताई गई है जहाँ पर प्ले की सेटिंग है वो अमेरिका के सदर्न रीजन में है और वो जो फैमिली है वो एक क्राइसिस से यानी एक प्रॉब्लम से गुजर रही है। खास तौर पे जो हस्बैंड एंड वाइफ दिखाए गए हैं उस फैमिली में ब्रिक और मार्गरेट जिसे प्ले में मैगी या मैगी द कैट कहा गया है, उन दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये जो क्राइसिस है प्रॉब्लम है वो अनस्पूल होती है यानी खुलकर सामने आ जाती है जब ब्रिक की फैमिली एक शाम इकट्ठा हुई थी मिसिसिपी में और वो लोग एक तरह की पार्टी कर रहे होते हैं और वो पार्टी इसीलिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि जो बिग डैडी पॉलिट है उस फैमिली का पैट्रियार्क यानी सबसे बड़ा मेल उसका बर्थडे है। ओके, तो जो बिग डैडी पॉलिट है वो एक बहुत ही फेमस और अमीर इंसान है, बिजनेसमैन है और वो डेल्टा का बिगेस्ट कॉटन प्लांटर है यानी उस जगह का सबसे बड़ा कॉटन का बिजनेसमैन है। प्लांटेशन करता है वो, कॉटन उगाता है और उसको बेचता है और क्योंकि जो बिग डैडी पॉलिट हैं वो ऑशनर क्लिनिक से वापस आ गए हैं और वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें एक क्लीन चिट दे दी है, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया है यानी कहा है कि अरे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकते हो। इसीलिए बिग डैडी पॉलिट अपने घर लौट आए हैं और जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं एक्सेप्ट बिग डैडी एंड हिज वाइफ बिग मामा आर अवेयर ऑफ बिग डैडीज ट्रू डायग्नोसिस। तो सारे फैमिली मेम्बर्स को एक्चुअल डायग्नोसिस पता है, सिर्फ बिग डैडी और उसकी पत्नी बिग मामा को बात नहीं पता है। वो ये कि बिग डैडी को कैंसर हो गया है और कुछ ही दिन में वो कैंसर के कारण मर जाएंगे। तो बिग डैडी और उसकी पत्नी बिग मामा को ये बात नहीं पता होती है लेकिन बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को पता होता है कि एक्चुअल में बिग डैडी को कैंसर हो गया है। तो उसकी फैमिली ने उससे झूठ बोला होता है उससे भी और उसकी पत्नी से भी ताकि ये जो एजिंग कपल है यानी ये जो बूढ़े दंपत्ति है हस्बैंड वाइफ है इन्हें दुख ना पहुंचे इसीलिए वो लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा जताते हैं वो लोग कि उनको दुख ना पहुंचे इसलिए वो लोग बात को छुपा रहे हैं लेकिन एक्चुअली प्ले के दौरान सब क्लियर हो जाता है कि जो पॉलिट फैमिली है वो बस एक वेब ऑफ डिसीट यानी एक दूसरे को धोखा देने में लगी हुई है। उसके बाद क्या होता है कि मैगी जो है वो काफ़ी सुंदर होती है और उसका जो बचपन था वो गरीबी में बीता था और अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए उसने इन वेल्दी लोगों के घर में शादी कर ली थी यानी वेल्दी पॉलिट फैमिली में उसने इसीलिए शादी कर ली थी। उसका हस्बैंड ब्रिक था लेकिन शादी के बावजूद वो बहुत ज़्यादा अनफुलफिल्ड महसूस करती है अपने आप को इसीलिए क्योंकि उसके हस्बैंड ब्रिक के साथ अच्छे संबंध नहीं थे
और द फैमिली इज अवेयर दैट ब्रिक हैज नॉट स्लेप्ट विथ मैगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फैमिली को पता था ये बात कि जो ब्रिक है और मैगी है उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, उन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है बेसिकली, ये बात उन्हें पता थी। और इसी वजह से उनकी शादी जो है वो काफ़ी ठीक तरीके से नहीं चल रही थी। ब्रिक एन एजिंग फुटबॉल हीरो इन्फ्यूरिएट्स हर बाय इग्नोरिंग हिज ब्रदर गूपर्स अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द फैमिली फॉर्च्यून। तो जो ब्रिक है वो काफ़ी एजेड हो चुका है और वो एक फुटबॉल हीरो है, यानी बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करता था। तो जब मैगी उसे कहती थी कि देखो तुम्हारा जो भाई गूपर है वो पूरी संपत्ति खुद हथियाने के चक्कर में है, खुद पूरी संपत्ति पर कब्जा करने वाला है, तो ब्रिक उस चीज पर ध्यान नहीं देता था और इसीलिए मैगी को गुस्सा आता था। ब्रिक्स इंडिफरेंस एंड हिज ड्रिंकिंग हैव एस्केलेटेड विद द सुसाइड ऑफ हिज फुटबॉल बडी स्किपर। तो ब्रिक बहुत ज़्यादा शराबी हो गया था और वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, इंडिफरेंट भी हो गया था इसीलिए, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड फुटबॉल प्लेयर स्किपर था, स्किपर ने सुसाइड कर ली थी और सुसाइड करने से वो मर गया था, और इसी वजह से ब्रिक बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और वो एक शराबी बन चुका था। मैगी फियर्स दैट ब्रिक्स मलाइज विल इंश्योर दैट गूपर एंड हिज वाइफ मे इनहेरिट बिग डैडीज एस्टेट। तो मैगी को ये डर था कि अगर ब्रिक इसी तरीके से हरकतें करता रहा और उसने ध्यान नहीं दिया तो ब्रिक का भाई जो है गूपर और उसकी पत्नी मे उनको ही पूरी संपत्ति मिल जाएगी बिग डैडी के मरने के बाद। थ्रू आउट द इवनिंग ईच मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट फेस द इशूज विच दे हैव बॉटल्ड ऑफ इनसाइड। तो पूरी शाम ये जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके जो अलग अलग इशूज हैं वो बाहर आते हैं। बिग डैडी जो है वो अपने शराबी बेटे ब्रिक से रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ बैठकर बातें करते हैं, और जो बिग डैडी और मैगी हैं वो बार बार ब्रिक से पूछते हैं कि स्किपर के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसी थी, क्योंकि उन दोनों को शक है कि स्किपर और ब्रिक के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही था। तो वो लोग इसलिए भी उस पर शक कर रहे होते हैं क्योंकि जो ब्रिक है वो अपने फ्रेंड के मरने के बाद से ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, सोरो यानी बहुत ज़्यादा उसे दुख हो गया था, और वही यही उसके शराब पीने का कारण भी था। तो ब्रिक बिग डैडी को एक्सप्लेन करता है कि उसकी जो दोस्ती है वो मैगी को परेशान कर रही है, जबकि वो सिर्फ स्किपर का दोस्त था। तो वो ब्रिक जो है वो बताता है बिग डैडी को कि किस तरीके से मैगी को ये शक था, उसको ये जलन थी कि ब्रिक और स्किपर के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप थी, और इसी वजह से स्किपर जो है वो मैगी के साथ रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करता है ताकि उसे गलत साबित कर सके और ताकि वो ये बता सके कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है, इसीलिए वो मैगी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उस एक्ट को, सेक्सुअल एक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, और इसीलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ गए अपने आप को लेकर, और इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और सुसाइड करने के जस्ट पहले उसने ये बता भी दिया था कि कैसे वो ब्रिक के प्रति अट्रैक्टेड है, यानी वो वाकई में होमोसेक्सुअल है, ये है, और ये बात वो बताता है ब्रिक को, और ब्रिक उसे रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है, और इसी वजह से स्किपर ने सुसाइड कर ली थी। अब इस बात का जो गिल्ट है वो ब्रिक को इतना ज़्यादा है कि वो शराबी बन चुका था, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था, और अपनी फैमिली की मेंडासिटी यानी कि ये झूठ बोलने की और धोखा देने की आदत से ब्रिक इतना ज़्यादा डिसगस्ट फील करता है कि वो बिग डैडी को सच बता देता है कि जो क्लिनिक से रिपोर्ट आई है तुम्हारी कंडीशन के बारे में वो भी ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें एक्चुअली कैंसर हुआ है और तुम मरने वाले हो। तो जब बिग डैडी को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और बाकी के फैमिली मेम्बर्स वहीं पर बच जाते हैं। और तभी फिर मैगी ब्रिक में कूपर और गूपर और डॉग वो जो कि फैमिली का फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, वो डिसाइड करते हैं कि वो बिग मामा को यानी कि बिग डैडी की पत्नी को भी सच बता देंगे कि उसके हस्बैंड को क्या हुआ है। और जब उसे पता लगता है तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है इस न्यूज़ से, लेकिन गूपर और मे पर कोई असर नहीं होता। वो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि पॉलिट एस्टेट का डिवीजन कैसे होना चाहिए और उनको कितनी संपत्ति मिलनी चाहिए। तब बिग मामा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है, और उसे बहुत चिढ़ हो जाती है इस बात से कि उसका हस्बैंड मर रहा है और इन लोगों को प्रॉपर्टी की पड़ी है। तभी बिग डैडी वहाँ पर फिर से आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो बहुत शांति से
अब मर जाएंगे, बहुत ही पीसफुली वो अब मरेंगे। अटेम्प्टिंग टू सिक्योर ब्रिक्स इनहेरिटेंस, मैगी टेल्स हिम शी इज प्रेग्नेंट। अब क्योंकि मैगी को ये लगने लगा था कि ब्रिक के भाई गूपर और उसकी पत्नी को पूरी संपत्ति मिल जाएगी, इसीलिए वो झूठ बोलती है फिर से और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है ताकि उसे और उसके हस्बैंड को भी संपत्ति में कुछ हिस्सा मिल जाए। तो गूपर और मे को पता था कि ये बस एक झूठ है, लेकिन बिग मामा और बिग डैडी को ऐसा लगने लगता है कि मैगी जो है उसके पास लाइफ है, यानी उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। और जब वो लोग अकेले होते हैं मैगी और ब्रिक, तो मैगी जो है उसके हाथ से शराब को छीन कर रख देती है और ब्रिक से कहती है कि वो इस झूठ को सच बनाएगी, और उस तरीके से वो ब्रिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाए और संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिल जाए। तो यहीं पर जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है और हम देख सकते हैं कि कैसे पूरे प्ले में जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो बस एक दूसरे को झूठ बोलते हैं।